अभी अभी कैप्टन ने अनाउंस किया है ये फ्लाइट आगे नहीं जा सकती और ये फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं, सभी को नीचे उतार रहे हैं। देखो बच्चों की हालत भी बुरी है, क्रू भी इतना ही परेशान है, यहाँ का ग्राउंड क्रू, एयरलाइन का क्रू, देखते हैं। और देखो हमारे को पैसेंजर की बेटी क्या कर रही है। जर्नी का आखिरी दिन है हमारा, हम आ गए बुसान स्टेशन के अंदर। यहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे तो वापस जा रहे हैं और तकरीबन 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे सोल स्टेशन। और सोल स्टेशन से आगे मुझे जाना है इंचोन एयरपोर्ट एंड फ्रॉम इंचोन टू सिडनी। थोड़ा कैमरा घुमा के आपको स्टेशन का एंट्रेंस भी दिखा देता हूँ। ये है साउथ कोरिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटी, बुसान इज गुड। ये आ रही है KTX बुलेट ट्रेन। साउथ कोरिया में दो बुलेट ट्रेन चलती है, KTX और SRX। दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ नाम का अंतर है क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनी चलाती है इसलिए अलग अलग नाम है उसके। ट्रेन देख लो पूरी खाली है अभी, बट थोड़ी देर में ट्रेन भर जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हम अपने मकाम पे। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका ये नई वीडियो में। और आज ये मेरा साउथ कोरिया का आखिरी दिन है। मैं जब आया था सिडनी से यहाँ पर, तब मैंने ये जो टी मनी कार्ड लिया था वो जाते समय मैंने सबसे पहला काम ये किसी को बेचने का कर दिया, क्योंकि ये कार्ड की कॉस्ट रिफंडेबल नहीं है। जो 4000 वोन थी, एक फ्रेंच बंदा मिल गया, टूरिस्ट था, तो मैंने उसको ये कार्ड बेच दिया, अपने पैसे निकाल लिए। मैं जब आया था तब फ्लाइट 2 घंटा लेट हो गई थी, अब मैं वापस जा रहा हूँ तो मेरी फ्लाइट 3 घंटा लेट हो गई है। यहाँ पे ये करेंसी एक्सचेंज है कोने में, मैंने वहीं से अपने जो कोरियन वोन बचे थे उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। बड़ा बुरा रेट मिला, बट आई थिंक रेट साव इट इज़ ऑलवाइज। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने यहाँ से कुछ ख़रीदा है कोरिया से तो उसका टैक्स रिफंड आपको यहाँ से मिल जाएगा, लिखा है टैक्स रिफंड ऑफिस आगे जाके। चलो एक और काम ख़त्म हो गया, मेरी फ़्लाइट का चेक इन हो गया। 2-3 बार लेट होने के बाद फाइनली खुला फ्लाइट मेरा और इसका चेक इन हो गया। और फ्लाइट इतनी लेट हुई इसके लिए ये लोगों ने मुझे 8000 वोन का रिफ्रेशमेंट वाउचर दिया है। और फ्लाइट मेरी रात को तकरीबन 2 बजे की है। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। हमारी फ़्लाइट जो रात को 9:15 बजे चलनी थी वो लेट हो गई, उसका ईमेल भी टाइम से आ गया कि किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से सिडनी से ही लेट आ रही है, तो 9:15 बजे नहीं जाएगी बट 12:15 बजे जाएगी। तो उस हिसाब से चेक इन भी लेट हुआ। जब चेक इन हुआ तब पता चला कि अब 12:15 को नहीं जाएगी, 1:15 को जाएगी, मतलब 1 घंटा और लेट कर दिया। चेक इन करते करते जब हम सिक्योरिटी क्लियरेंस करके अंदर आए बोर्डिंग गेट के पास, तब पता चला कि अब 1:45 को जाएगी फ्लाइट, रात के 1:45। तो फिर एक के बाद एक सब लोग वहाँ जो बोर्डिंग गेट के पास चेयर्स होती है वहीं पर सो गए। और उसके बाद बोर्डिंग चालू भी हुआ, 1:30 बजे तक सबको बिठा दिया प्लेन में। अभी कुछ रात के 2:45 बजे हैं, प्लेन टारमेक पे, एयरपोर्ट छोड़ा नहीं है क्योंकि अंदर एयर होस्टेस की सीट पे कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जब तक ये फिक्स नहीं हो जाती प्लेन चलेगा नहीं। पता नहीं अब कब चलेगा, पता नहीं हम कब सिडनी पहुँचेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ टोटल डिसअपॉइंटमेंट, क्या होगा नहीं पता। पायलट ने 2-3 बार अनाउंसमेंट भी किया, तो सिडनी पहुँचने से पहले का ये जो अपडेट है मैं ये आपको बता दूँ। सब लोग भागा दौड़ी तो कर रहे हैं, ग्राउंड क्रू और इंजीनियर सब लोग फिक्स करने में लगे हैं, बट जब तक ये फिक्स नहीं होगा नहीं जाएगा प्लेन। अभी रात के 3:15 बजे या तो अर्ली मॉर्निंग के 3:15 बजे, अभी कैप्टन ने अनाउंस किया है ये फ़्लाइट आगे नहीं जा सकती और ये फ़्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं, सभी को नीचे उतार रहे हैं। चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ बाद में, ठीक है। दोस्तों आज का पूरा दिन गया बर्बाद, पहले फ़्लाइट लेट थी, फिर अंदर बैठे थे, फिर कैंसिल हो गई और अब कहते हैं 24 घंटे के लिए कैंसिल हो गई। जो आज रात को 9:15 बजे चलनी थी रात को, ये अब कल रात को 9:15 बजे चलेगी। क्या क्या होगा आगे नहीं पता। यहाँ सब पैसेंजर लगे, देख लो आप, देखो बच्चों की हालत भी बुरी है, क्रू भी इतना ही परेशान है, यहाँ का ग्राउंड क्रू, एयरलाइन का क्रू,
देखते हैं। अभी रात के 4 बजने को आया है, 5-10 मिनट कम है और हम सब यहाँ पर खड़े हैं अभी क्यू में। जिसने ड्यूटी फ्री कुछ सामान नहीं लिया था उसको एयरपोर्ट से पहले बाहर निकलने दिया, ड्यूटी फ्री वालों को लास्ट में रखा है और अभी इमिग्रेशन वालों की परमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन अब रिवर्स करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा, उसका जो भी लीगल टर्म होगा आई डोंट नो, तो उसकी परमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही इमिग्रेशन वाले की परमिशन आएगी हम सबको यहाँ से जाने दिया जाएगा। चलो हम बाहर आ गए हैं, हमारा सब इमिग्रेशन वो सब रिवर्स करा के, और अभी यहाँ एयरलाइन वालों ने होटल की व्यवस्था की ऐसा लगता है। एयरलाइन वालों ने वैसे ईमेल भी भेजा है कि अगर आप अपने तरह से होटल बुक करते हो तो दे विल पे यू टू सर्टेन अमाउंट्स फॉर होटल एंड एकोमोडेशन एंड फूड एंड एवरीथिंग। बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने तो कल सारे पैसे यूज़ कर डाले थे और बैंक वालों को जो मैंने क्रेडिट कार्ड का बोला था वो भी कल ख़त्म हो गई थी डेट, तो प्रॉब्लम लगता था। बट लगता है कि नहीं नहीं अब एयरलाइन वालों ने होटल हमारे लिए बुक किया है और अभी हम ये क्यू में खड़े हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ऑर्गेनाइज़ किया है और फिर हमारे लिए होटल भी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अपेरेंटली आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ पे करना पड़ेगा वरना और प्रॉब्लम आ जाती। अभी चलते चलते एक और बात याद आई, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था मेरे वीडियो में कि मैं जहाँ जाता हूँ मेरा खाना साथ चलता है, वो खाना भी मैं कल खा चुका मेरे पास अब खाना भी नहीं है। सो ऐसा लगता है आई एम गोइंग टू सर्वाइव ऑन ब्रेड एंड बटर फॉर वन मोर डे एंड या दैट वुड बी ऑल राइट। इतना ड्रामा नहीं है खाने का, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी सुबह के 5 बजने को आया है, मुझे लगता है बाय द टाइम बस आएगी हम उसमें बैठेंगे होटल में जाएंगे तब तक 6-6:30 तो आराम से बच जाएंगे। जैसे हमारी फ्लाइट वाले सब बाहर आए तो ऐसे सबके वो टिकर लगा दिया ताकि पता चले कि हाँ हम सब वो कैंसल्ड फ्लाइट वाले हैं। चलो आई विल अपडेट यू जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है। तो हम अभी अपनी होटल के कमरे में आ गए, कोई खास नहीं है होटल, मैं अभी रख देता हूँ बाद में मैं दिखाऊंगा, थोड़ा फ्रेश हो लूँ पहले, थोड़ा नींद भी कर लूँ। तो थैंक यू वेरी मच, कहीं जाइएगा मत, ये सीरीज हमारी बड़ी एक्साइटिंग होने जा रही है। और हाँ, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट बिल्कुल करें, यूट्यूब पर ही करें। तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और मिलते हैं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। हम यहाँ होटल में वेट कर रहे हैं हमारी डिलेड फ्लाइट कब रिवाइव होगी उसका, और देखो हमारे को पैसेंजर की बेटी क्या कर रही है। यूट्यूब पे जाके चलेगा ना okay। ये सब हमारी फ्लाइट के बंदे हैं और भी है बट इतने अभी यहाँ पर है। अभी शाम के 4:45 बजने को आए हैं, लगता है कुछ न्यूज़ आया है हमारी फ्लाइट के बारे में, क्या होगा नहीं पता, बट देर इज सम मोमेंट्स, एवरीबडी इज एक्साइटेड एंड अपेरेंटली फॉल्स न्यूज। No, she said that she was there and she said she has something to say. I think that is a mass psychology. We were waiting for one news and that's what we all thought. But that's it. Maybe. Let's. But now she's also confused. Just stop. 1 hour.
Please wait 1 hour. Please wait 1 hour. Bus. Can I ask you one question? How many of us here? It's 200 people here. 200 people. Yes. We are hardly 20 here. So 100 and we are hardly 20 here. 180 is still somewhere. Chalo, discussion काफी कुछ हुआ, but पता तो कुछ नहीं चला क्या होगा. जो होगा देखा जाएगा. ये मज़ेदार होने वाला है दोस्तों. आगे फिर से एक बार इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होटल से चेकआउट कर लिया. अभी कुछ 6:15 बजने को आए हैं तो अभी क्यू में खड़े हैं. बट मेन टाइम में ईमेल आ गया कि जो 9:30 की फ्लाइट है वो अब 11 बजे की हो गई. I really don't know what is going on, but there is nothing much that we can do. So अभी क्यू में खड़े हो गए हैं. मैं ज़रा आपको क्यू भी दिखा देता हूँ फिर से. और वहाँ सामने काउंटर है गेट स्टॉप पर जो अभी खुला नहीं है. तो दोस्तों ये हमारा साउथ कोरिया का ट्रिप यहाँ ख़त्म होता है. आपके दिमाग में जो भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें और मैं जितना भी मुझे मालूम होगा उस हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा. आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तब भी शेयर करें क्योंकि ये मुझे बहुत काम लगेगी. ओके फाइनली हम प्लेन में सवार हो गए और 30 घंटे की देरी के बाद सिडनी पहुंच गए. सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लो. अच्छा दोस्तों आज की मुलाकात बस इतनी. मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.